The question is, A and B are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. ये first sentence है. Last sentence होता है, you are required to prepare revaluation account, partners capital accounts and new balance sheet. तो इसमें A part का adjustment में दे रखा है, she is to pay 20,000 as capital for 1/4 share. He also pays 5,000 as premium for goodwill. तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में ओल्ड रेशियो तो 3:2 दे रखा है ए बी का, तो कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. पहले न्यू रेशियो निकालेंगे, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, देन गुडविल बांटेंगे और कुछ इधर उधर उल्टा सीधा ट्रीटमेंट है उसका जर्नल एंट्री देके मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा. उसके बाद विल गेट डाउन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और फेयर नोट में कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी बना देंगे. तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि हम इसीलिए निकाल रहे हैं यहाँ पे गुडविल लेकर आ रहे कैश में. तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नोट वन, ओल्ड रेशियो ऑफ एज टू बी 3:2 फर्स्ट लाइन में दे रखा है और सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. ए पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, सी इज टू पे 20,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर. तो सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. हमेशा फार्म का प्रॉफिट शेयर वन होता है. लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म बी वन. तो वन से 1/4 सी ले गया तो ए बी के लिए क्या बचेगा? रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी आफ्टर सी एडमिशन, 1 - 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम आया 4. 4 - 1 न्यूमरेटर में लिखोगे तो आपके आ जाएगा 3/4 रिमेनिंग शेयर ए बी का. ये 3/4 को ए बी ने 3:2 में बांट लेंगे. 3/5 होगा ए का और 2/5 होगा बी का. तो 9/20, 6/20 हम ऐसे क्यों करेंगे? क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट फर्दर अबाउट द शेयरिंग ऑफ ए एंड बी का प्रॉफिट शेयर. प्रॉफिट आगे कैसे शेयर करेंगे? इक्वली करते तो हाफ हाफ मल्टीप्लाई करते, बट आगे के लिए कुछ बताया नहीं. तो हम क्या करेंगे ना, 3/5, 2/5 में ले लेंगे और सी का न्यू ईयर आएगा 1/4 का इक्वल कर देंगे 5/5. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/5. तो 9/20, 6/20, 5/20. देयरफॉर द न्यू रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 9:6:5. तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए सैक्रिफाइस, ए का ओल्ड शेयर था 3/5, न्यू शेयर है 9/20. तो इसको इससे माइनस करने के बाद एलसीएम आएगा 20. तो 4 - 12 - 9, 3/20 आएगा. और बी का सैक्रिफाइस होगा 2/5 - 6/20. 2/5 ओल्ड है और न्यू है 6/20. तो एलसीएम आएगा 20. 4 - 8 - 6 न्यूमरेटर में तो आएगा 2/20. रेशियो बन गया, दिस इज 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देयरफॉर द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:2. आप नोट लिख के बता दो कि ओल्ड रेशियो में कोई चेंज नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 होगा, या करके दिखा दो. ये करके दिखाना एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा होता है. दिस इज मोर श्योर एंड मार्क फेचिंग. और इसके बाद कुछ उल्टे सीधे एडजस्टमेंट है, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ. तो सबसे पहले बैड डेट रिकवरी के बारे में दे रखा है. इसमें 3 एडजस्टमेंट दे रखा है रिवैल्यूएशन के बारे में. तो इसमें सी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ो. नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ए डेट ऑफ ₹300 रिकवर्ड बाई ए फ्रॉम ए कस्टमर व्हिच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड इन प्रीवियस ईयर. द अमाउंट इज टू बी पेड बाई ए. इसका मतलब ये है, पहले हमारा एक डेटर ने हमें ₹300 देना था, उसने दिया नहीं, हमने उसको बैड डेट कर दिया, हमने उसको जर्नल एंट्री कर दिया, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट. ये बैड डेट हो गया ₹300 और उसको हमारा पार्टनर ए ने उससे पैसे ले लिया है. दे गॉट द कैश. तो अभी वो कैश हमें हमारा फार्म को नहीं दिया, ए बी का जो फार्म है, फार्म में वो पैसे जमा नहीं करा, वो पैसे देगा. तो इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? बैड डेट रिकवरी कैन बी ट्रीटेड एज फॉलोज. एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारा एक गेन हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे ए हमें पैसे देगा. एस कैपिटल अकाउंट 300 और ए उससे पैसे ले चुका है. तो
बैड डेट रिकवर कर लिया था, दैट इज बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, और एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिखो भाई एस कैपिटल अकाउंट, और ए का कैपिटल अकाउंट का जो लेजर बनेगा कैपिटल अकाउंट, उसमें टू रिवैल्यूएशन, ए का कॉलम में 300, ए ने पैसे निकलवा लिया, जो बंदे जो डेटर ने पैसे ले लिया था और बैड डेट हो गया था, अभी वो पैसे हम ए से रिसीव करेंगे, वो हमें देगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है डी, इन्वेस्टमेंट। डी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। नोट थ्री, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय बी एट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ 4,900 अगेंस्ट कैश पेमेंट। तो नोट थ्री पढ़ो, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय बी एट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ 4,900 अगेन कैश पेमेंट कैन बी जर्नलाइज्ड एज फॉलोज। बी इन्वेस्टमेंट ले रहा है, अगर पैसे नहीं देता हम लिखते बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,900, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 100, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। बट बी पैसे दे रहा है तो देर इज नो रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर विद द पार्टनरशिप, ये सीधे कैश का ट्रांजेक्शन हो गया, कैश अकाउंट डेबिटेड। तो इन्वेस्टमेंट सर जो ले गया वो इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल वैल्यू 5,000 है, तो 4,000 कैश दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट 4,900, और 100 रुपये हमारा लॉस हो गया। तो ये लॉस रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 100, टू इन्वेस्टमेंट 5,000, तो इन्वेस्टमेंट आने वाले बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे ना, फेयर नोट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट लिख देंगे, और सबसे पहला एडजस्टमेंट है बी डेटर्स, इसमें बैड डेट लिखेंगे 3,000। पहले एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, आप देखो बी पार्ट पढ़ो। डेटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 3,000 इज टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट बैड एंड ए प्रोविजन ऑफ 10% इज चार्ज अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स ऑन द रिमेनिंग डेटर्स अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। तो डेटर का वैल्यू दे रखा है 15,000, उससे 3,000 बैड डेट हो गया, तो बैड डेट इज ए लॉस या एक्सपेंडिचर टू बैड डेट 3,000, और प्रोविजन बनाएंगे जो बाकी डेटर बचेगा, क्लियरली बता रहे रिमेनिंग डेटर्स, रिमेनिंग अमाउंट 15,000 से 3,000 बैड डेट हो गया, बचा 12,000, 12,000 का 10%, 12,000 का 10% होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 12,000 का 10% 1,200। देन आपको सी पार्ट पढ़ के सुनाया था, ए ने पैसे रिकवर कर लिया, हमें दिया नहीं, ए से पैसे मिलेगा फार्म को बैड डेट रिकवरी के लिए, हम लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट। हम ये भी लिख सकते हैं बाय बैड डेट रिकवर और एस कैपिटल अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन, बट वो बेटर नहीं है, यही दिस इज द फाइनल एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 300, क्योंकि ए हमें पैसे देगा, ए हमारे लिए एक रिकवरी एजेंट का काम कर लिया, ही इज नॉट लेस देन ए कस्टमर नाउ, ही हैज गॉट द मनी, ही विल रिइंबर्स इट टू द फार्म, वो हमें फार्म के लिए पैसे देगा। तो 300 रुपये आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो ले गया बी ने पैसे देकर, 100 रुपये लॉस हो गया डी पार्ट, 4,900 में लिया, 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, टू इन्वेस्टमेंट 100, हमारा लॉस को हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दिया। तो इसको टोटल करो और क्रेडिट साइड में लिखो, ये होगा 4,300 टोटलिंग डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में लिखो 4,300, और 300 इससे माइनस करने के बाद आएगा 4,000, इसके साइड में लिखो बाय कैपिटल अकाउंट्स हाइफेन रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड, और इसको नरेशन में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इन ओल्ड रेशियो ऑफ ए टू बी 3:2 रेशियो में ले लेंगे, लॉस को 3:2 में बांटेंगे, तो ए विल बी गेटिंग, ए को मिलेगा 4,000 का 3/5 और बी को मिलेगा 2/5 2,600 कैपिटल अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट बना लिया आईबीसी का, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल 50,000 30,000 लिख दिया। नेक्स्ट आपके होता है बाय कैश अकाउंट ए पार्ट, 20,000 कैपिटल एंड 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ए पार्ट, जो प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 लाया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना, और लिखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000 को 3:2 में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल जर्नल एंट्री का, और ए ने हमें देगा 300 रुपये, तो ए का कैपिटल वो तो बुक एडजस्टमेंट हो गया, अप्रोप्रिएशन हो गया, पैसे देगा नहीं, उसका कैपिटल से कम कर लेंगे, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस डाल दो, ए में 2,400 बी में 1,600,
टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ए 300 रुपए देगा। ये वाला ऊपर वाला लॉस है, ये वाला लॉस है टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और ये वाला ए हमें 300 रुपए देगा एस कैपिटल टू रिवॉल्यूशन, और उसके ऊपर वाला था एस कैपिटल बी कैपिटल टू रिवॉल्यूशन। अभी और कोई एंट्री नहीं है, क्रेडिट साइड टोटल कर दिया, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया टू बैलेंस सीडी। इस टू बैलेंस सीडी इज ए में 50,300, बी में 30,400, सी में 20,000। इसके बाद बैलेंस शीट में उतर जाओ, बैलेंस शीट आ जाए 1 जनवरी आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। बढ़िया वाला फॉर्मेट बनाओ, और स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके बिल्डिंग सेम वैल्यू 35,000, मशीनरी सेम वैल्यू 25,000, स्टॉक सेम वैल्यू 15,000, डेटर अंदर लिखो 15,000, और इससे बैड डेट एडजस्टमेंट बी, डेटर प्रूव्ड बैड 3,000, बैड डेट माइनस करो 3,000, आया 12,000। 12,000 का 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200, माइनस करके लिखो फाइनल कॉलम में 10,800। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, आएगा नहीं, बैंक आज ही जाएगा, बैंक 5,000, और जो कैश ला रहा है ना ए पार्ट में 20,000 कैपिटल, 5,000 गुडविल, 25,000 से हमारा और इन्वेस्टमेंट बिक गया 4,900, 25,000 और 4,900 29,900 मैनुअली हो सकता है, मेंटल कैलकुलेशन ओनली। तो और ये कंप्लीट हो गया एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट, आपने देखा होगा जस्ट ऊपर कैपिटल अकाउंट बनाया था, टू बैलेंस सीडी में जो आया है कैपिटल, ए का 50,300, बी का 30,400, सी का 20,000, टोटल करके फाइनल कॉलम में डालो 1,01,000। क्रेडिटर्स भी है 20,000, और अभी टोटलिंग कर दो 1,20,700, दोनों साइड टैली कर रहा है।